सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। सर्वप्रथम गुलाम पलामू परमंडल के सभी प्रबुद्ध जनता को नमन, जिन्होंने 2019 के चाहे पार्लियामेंट चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार और विश्वास दिए थे, क्योंकि चुनाव के बाद मेरा पहले बार आगमन है, और आज स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी के याद में उनके सुपुत्र विधायक आलोक चौरसिया जी ने और दिनकर स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में आने का सौभाग्य मिला। इस अवसर पर मैं सभी खिलाड़ियों और हजारों की संख्या में जो खेल प्रेमी उपस्थित उससे पलामू के खिलाड़ी के साथ साथ यहाँ जनता का जो खेल के प्रति जज्बा जुनून उत्साह वो काबिले तारीफ। ऐसे भी झारखंड की पहचान सिर्फ जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन से नहीं है, झारखंड की पहचान खेल से भी देश दुनिया में, चाहे क्रिकेट के सेक्टर में हो चाहे हॉकी के सेक्टर में हो चाहे अन्य खेल के सेक्टर में। अब आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछो। टीडी आज अपना काम कर रही है, क्या इस पर कहना आपका? देखिए बैठे पढ़ने बैठ उठे थोड़े विधायक बैठ जाए उठो आप घर में थोड़ा ख्याल नहीं रखते। एक कहावत सब सुने होंगे, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, ये कहावत हेमंत सरकार पर चलता सही चलता साबित हो। 3 साल तक सरकार के सामने सिंडिकेट लूटता रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुपचाप देखते हैं। सिंडिकेट लूटता रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री चुपचाप देखते रहे। तीन साल में अवैध खनन, पत्थर कोयला बालू माफियाओं और कट मनी कमीशन में फलता फूलता रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री देखते रहे। 3 साल में अवैध घुसपैठी, गौ तस्करी और धर्मांतरण का खेल चलता रहा, मुख्यमंत्री चुपचाप देखते। कि देश भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, और कोई भी गलत काम करेगा तो आज नहीं तो कल उसको सजा मिलना तय है, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई नहीं है।
और जिस तरह इन 3 वर्षों में कानून की धज्जिया उड़ाई गई, लॉ अंडर ध्वस्त हो गए। अब इसी पलामू गरबा में जहां रांची से जब बीजेपी की सरकार थी तो रात भर आना जाना, आज जो जानकारी मिल रही कि 8 बजे के बाद कोई बस आना जाना नहीं कर, और इस राज्य में एक आतंक का शासन है। मैं कल चकदरपुर गया था, एक राष्ट्रवादी युवा 35 साल का उम्र का श्री कमल देव गिरी, और मुख्यमंत्री जिस दिन 2 तारीख को इनको संबंध मिला था, 3 तारीख को मुख्यमंत्री ने जिस तरह आज नाटक किया उसी तरह का नाटक 3 तारीख को भी किया था। और उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग जो धरना प्रदर्शन में है उसको चुन चुन के रखो, उसको सबक सिखाना है। और दूसरे दिन ही उस कमल देव गिरी को एक नाम चिट्ठी मिलता है कि 15 दिन के अंदर तुम्हारा विकेट भंगी रहेगा। शासन प्रशासन के पास जाता जो उनके माता पिता बहन ने जानकारी दी, शासन प्रशासन ने कोई सुरक्षा नहीं दी और दिन दहाड़े उसको बम से उड़ा दिया। SIT बनाई, 3 दिन 4 दिन हो गए, आज तक अभियुक्त नहीं पड़ा, क्योंकि जो जानकारी और आपने देखा होगा 3 दिन तक वहां के दुकानदार दुकान स्वेच्छा से बंद। कल भी मैं हजारीबाग के चकदरपुर गया, हजारों महिलाएं लोग, सबकी एक ही डिमांड थी उसके माता पिता से लेकर CBI से जांच। तो कहने का तात्पर्य है, चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, पलामू हो, गढ़वा हो, एक आतंक का शासन। अभी मैं 2 दिन पहले गया था संथाल परगना, वहां तो और लूट मची हुई, शायद इसमें तो पत्थर की लूट मची हुई है, शिकारी पारा पाकुड़ में कोयले की लूट मची हुई है, उसी में एक अवैध खनन के मामले में एक प्रमुख काटी कुंड की बिमला सोरेन, उन्होंने विरोध किया तो उस पर 353 का केस हुआ, 6-6 पत्रकार पर संथाल परगना पे, क्योंकि वो निष्पक्ष होकर जो खनिज संपदा की लूट हो रही थी उस लूट को छाप रहे थे, तो 6-6 पत्रकार पर केस हुआ। इस तरह ये जो सरकार है कांग्रेस JMM RJD JMN के भ्रष्टाचार भय और आतंक का अंत का समय और ये सबको जानकारी है, होनी चाहिए जानकारी होगी भी, ये मोदी जी का शासन है। एक एक भ्रष्टाचारी से जिस खनिज संपदा के लिए, जिस जल जंगल जमीन के लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने अपना खून बहाया उसको भारतीय जनता पार्टी लूटने नहीं दी, और जब तक संघर्ष करते रह गए जब तक के लुटेरी सरकार को उखाड़ नहीं दी। अभी आप सबने देखा 264 प्रखंड में मंडल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे, ये जनता की आक्रोश को आप स्पष्ट रूप से देख, आने वाले समय में 18 से 23 तक जिला समाहरणालय में हजारों की संख्या में इस सरकार की जो दमनकारी नीति है, जो जन विरोधी नीति है, जो किसान विरोधी नीति है, जो महिला विरोधी नीति है, किस तरह इन 3 वर्ष में 1000 से ज्यादा सिर्फ आदिवासी महिलाएं, बच्ची, दलित बच्ची, महिलाओं की बलात्कार, व्यभिचार, हत्या। इसी पलामू में आपने देखा कि किस तरह दलित परिवार को आज एक वोट बैंक के तुष्टिकरण में उस गरीब दलित परिवार जो बरसों से रह रहे थे उसको आज बेघर कर दिए। तो ऐसी सरकार जो बिचौलियों के नाम पर चल रही सरकार का अंत लगभग अब तय है, और मुख्यमंत्री जी से कि अपना पाप का बोझ
राज पर मत थोपो, जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली। 2019 में आपने झूठ फरेब के नाम पर जनादेश जनता ने जरूर आपको दी, लेकिन 3 वर्ष के क्रियाकलाप से जनता आज आक्रोश में है। और जब भी चुनाव हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है, झारखंड से अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। धन्यवाद। बार बार संजू राय जी सवाल उठा रहे हैं कि ईडी में जो पूछताछ उससे हो रही है वो रघुवर दास जी से होनी चाहिए, उससे बड़ा ही आज भी बोले हैं, पहले भी बोले। आप उनसे पूछो और ईडी से पूछो, उन्हीं से पूछो, 3 साल हो गया, ईडी से पूछो। और आज भी मैं डंके के चोट पे कहता हूं, है कोई माय का लाल, राजनीति एक जोखिम चीज है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, है कोई माय का लाल। 3 साल हो गए सरकार, तत्व के साथ हमारी सरकार पर एक भी आरोप लगे। 5 साल जेएमएम थे ना विपक्ष में, कभी किसी ने हिम्मत की हमारी सरकार पर आरोप लगाया? आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है राजनीति में, उससे रघुवर दास घबराने वाला नहीं है। आज भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार का हल्ला कर रहा है, उसका भी पर्दाफाश हो रहा है। एनी क्वेश्चन? 4 मंत्रियों के खिलाफ पीआई दर्ज करने का अनुमति दी गई, क्या मांगते हैं? साजिश से या देखिए पूरा बताना, चोर मचाए शोर। हेमंत सोरेन का निकाल के देखिए, उनके मंत्री लोग का निकाल के देखिए, 2019 में कितना, तो सबका पब्लिक डोमिनेट में है, इलेक्शन पिटीशन में सबका दिया हुआ है इलेक्शन। कोई मंत्री चाहे कोई विधायक, यहाँ दो हमारे बैठे हुए ना एमपी लोग, सब पब्लिक डोमिनेट में है, सब तो जब इलेक्शन जब नॉमिनेशन तो भरा जाता है, सब तो है, वही चीज है। अभी आप कोई चीज खरीदे हैं, जमीन खरीदे हैं, 5 साल में उसका रेट भागेगा कि नहीं? अब हेमंत सोरेन का आप नेट से निकाल के देख लो, इनका जितना मंत्री लोग का 2014 में कितना था, अभी कितना है, सबका 100% 80% बढ़ा होगा। मैंने कहा ना, अपने चोर तो सबको चोर। 3 साल तक याद नहीं आ रहा था ऐसे ज्यादा संपत्ति, जब ने अपने अपने गिरिबान में झांको। मैं मांग करता हूं 5ों मंत्री के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कांग्रेस के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री, 2014 में उनका नेट का देखो, सब का भी आय से ज्यादा जांच होनी चाहिए। शुरू से भारतीय जनता पार्टी कह रही, सरकार हटने के बाद ही ये लोग कह रहा था सारे विभाग में घोटाले हुए, शुरू से मैं कह रहा हूं सांच को आंच क्या। 3 साल हो गया, सरकार तो उसकी है ना, उसके पास तो सारा चीज है, तंत्र है। और आपको याद होगा सारी जांच करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो आप सबको याद होगा, डीजीपी को बोला रघुवर दास को गिरफ्तार करो, डीजीपी बोला सर कोई मामला नहीं बनता, कैसे गिरफ्तार करेंगे। ये स्थिति है, इस तरह का गुड गवर्नेंस शासन हमने दिया, ट्रांसपेरेंसी का ईमानदार प्रशासन। इसी डीसीएसपी वीडियो की हिम्मत नहीं होती थी, जनता का काम सिर्फ 181 के नाम से दफ्तर काम। आज वीडियो सीओ क्या कर रहा, जमीन म्यूटेशन, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा। अरे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आज सरकारी विज्ञापन देकर होर्डिंग बोर्डिंग लगाकर सिर्फ कागज में विकास हो रहा, जमीन पे कहां विकास हो रहा। ये स्थिति है झारखंड, इसीलिए जनता आक्रोश। बयानवीर मुख्यमंत्री अखबारी लाल नेता, कुछ अखबारी लाल नेता है जो इसके आप चर्चा कर रहे थे, जिसका काम है लोगों को झूठ बोलो और मीडिया अखबारी लाल मीडिया में बने रहो,
तो ऐसे लोग को भी आप चिन्हित करो बयानवीर और अखबारी लाल नेताओं से। सब अपना अपना गिरबान झांके, आरोप लगाने के पहले दूसरे पर अपने पर झांके, उसने क्या किया हो गया लगता सारा प्रश्न उत्तर आ गया। भूख लगा, खाना खाना। अरे निगम चुनाव पर क्या भाजपा के स्टैंड होगा? ऐसे तो गैर दलीय है लेकिन फिर भी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पंचायत के चुनाव में इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण ले लिया, उसी तरह स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों का भी आरक्षण ले लिया। और जिस तरह शहर के क्षेत्र में इन तीन वर्षों में शहर के नागरिकों को इस सरकार ने सिर्फ तंग करने का, जो पानी कनेक्शन मेरे समय 3,500 रुपया था, ये सरकार ने 8,000 से 9,000 रुपया कनेक्शन वर्क फिट से अलग होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का था। ये जो पानी का टैक्स बढ़ा, ये जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा, इसका जवाब शहर की राज्य की जनता इस स्थानीय निकाय चुनाव में देगी। हमने डाल्टनगंज का सेकेंड फेज का 126 करोड़ रुपये इस डाल्टनगंज का भी हमको रोक के कुछ वहाँ लोग बोले कि सर यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, तो हमने कहा सेंक्शन कर 126 करोड़ रुपया सेकेंड फेज का पानी का हमने सेंक्शन कर दिया था। ये सरकार में कमीशन के चक्कर में टेंडर बार बार रहा, अभी सरकार की क्या स्थिति बताए, 8वीं 9वीं क्लास के 3 साल से साइकिल नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने बयान दिया साइकिल कंपनी लगाएंगे और साइकिल कंपनी में 1,000 रुपया बढ़ा दिया। उनको साइकिल कंपनी नहीं लगाना था, कमीशन लेना, और 3 साल हो गया 8-9 के बच्चे को आज तक साइकिल नहीं मिला क्योंकि कोई टेंडर वाला इसको कमीशन देने को नहीं। दूसरा रेडी टू ईट जो 500 करोड़ रुपया राज का था, मैंने दिल्ली के ठेकेदार को बंद कर दिया। मैंने कहा ये बनाएगी हमारी सखी मंडल, उस 500 करोड़ रुपये जो राज्य के अर्थव्यवस्था के टर्नओवर में घूमता, राज्य की हमारी महिलाएं मजबूत होती और हमारी बहनें अपने गांव के बच्चे को सही पौष्टिक आहार देता, जो सखी मंडल बना रही थी 500 करोड़ रुपये, इसको भी बंद कर दिया कमीशन के चक्कर में, फिर दिल्ली के ठेकेदार को। ये कमीशन खोर सरकार, ये माफिया सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये सरकार जितना दिन रहेगा उतना यहाँ का जनता त्राईमाई त्राईमान। निगम चुनाव में पार्टी लेवल पर होगा नहीं, पार्टी कोशिश करेगी जो स्टैंड पंचायत चुनाव में था पार्टी का स्टैंड, कोशिश करेगी सर्वसम्मत से बीजेपी समर्थक चुनाव लड़े। सर्वसम्मत होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो सब लोग।